द्वितीय स्तर की वार्ता रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि अब भारत पाकिस्तान को अपने साथ किसी मंच पर बर्दाश्त करना नहीं चाहता। सीमा पर आतंक और मुंह में शांति वार्ता का राग लेकर घूमने वाले पाकिस्तान को भारत ने यहाँ भाव तक नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों के देशों के समक्ष प्रतिनिधि पहुँचे हुए थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने उनके साथ दुआ सलाम भी नहीं की। यही नहीं, बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना वक्तव्य तो दिया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भाषण सुने बिना ही वहां से निकल गई, जिससे पाक विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी पूरी तरह तिलमिला गए। मेरी बात नहीं हुई और जेस्चर तो पॉजिटिव, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बीच दौरान उठ गई मीटिंग के, हो सकता है तबीयत नासाज हो, लेकिन ये बड़ा वाज़े है कि उनकी मैंने गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी और उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन की बात की। मेरा सवाल ये है कि रीजनल कोऑपरेशन मुमकिन कैसे होगी जब रीजन वाले मिल बैठने के लिए तैयार हैं और आप उस बैठक में रुकावट हैं। तो मुझे समझाइए इस खित्ते की और इस रीजनल कोऑपरेशन की पेशरफ्त कैसे। बिना कुछ कहे भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया उसकी बौखलाहट कुरैशी के चेहरे पर आसानी से देखी जा सकती थी, और अब भारत पर उसका कोई जोर नहीं चल सका तो बेचारे मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए दिखे। कुरैशी ने बिना भारत का नाम लिए आरोप लगाया कि सार्क देशों की तरक्की में सिर्फ एक देश ही बाधक बना हुआ है। इतिहास में मुझे एक वाज़े सोच दिखाई थी चेयर की तरफ से भी और दीगर मेंबरान की तरफ से कि हमने इस फोरम से अगर कुछ हासिल करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने का अंदाज क्या है? अगली नशिस्त तय करनी होगी और उस अगली नशिस्त के लिए मुझे आज ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि साक के रास्ते में, साक की तरक्की में, इस रीजन की कनेक्टिविटी और खुशहाली में सिर्फ एक रुकावट है और एक रवैया और एक मुल्क का रवैया इस साख की स्पिरिट को, जो उसकी फाउंडिंग फादर्स की स्पिरिट थी, उसको नाकाम। इससे पहले सार्क की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया और कहा कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए शांति का माहौल जरूरी है। आतंकवाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद को हर स्तर पर खत्म करना होगा और इसको संरक्षण देने वाली ताकतों को भी नष्ट करना होगा। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर इंडिया अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम है। बोली और बोली एक साथ भारत को मंजूर नहीं।